नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का जीएस थर्ड पेपर का लेक्चर चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे एनवायरनमेंट का। ठीक है, एनवायरनमेंट में हम लोगों ने दो लेक्चर तक देख लिए थे, आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित सारी चीज़ों को आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों, जीएस का, सोशल वर्क का और डिफेंस ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जो लोग भी ठीक है समझते थे कि ये कीवर्ड के माध्यम से क्यों ज़रूरी है, ठीक है, तो आप लोग खुद समझिए कि आप लोगों को जिस समय आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, वहाँ पर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को यही कार्य करना होगा। उस समय आपके सामने पहला प्रश्न आएगा, जैसे मान लीजिए जैव विविधता संरक्षण से ही आ गया, तो अगर जैव विविधता संरक्षण में आपको 8 से 10 पॉइंट अगर पता हैं तो आप ईजिली उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कीवर्ड के माध्यम से अगर आप चीज़ों को, प्रश्नों को लिखते हैं तो आपका सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और 15 दिनों में लगभग, ठीक है, 15 दिनों में आप पूरे के पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं तो आपका बहुत सारा कार्य कम हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी जो इस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, इस तरीके से चीज़ों को, यह जो पीडीएफ है आपके जीएस के व्हाट्सएप ग्रुप में सारी की सारी प्रोवाइड की जा रही है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, किसी का भी हो, फुल टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन संरक्षण जो है, जैव विविधता का संरक्षण, तो इसकी सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए, भूमंडल पर जैसे जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैव विविधता, मतलब जो हमारी जैव जीवित जातियां हैं, तो उनको समाप्त कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे रीजंस भी हैं कि जैसे जो क्लाइमेट चेंज है, पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव है, और बहुत सारी मानव गतिविधियां जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद जो चीज़ें चल रही हैं, जो पर्यावरण में घटित हो रहा है, उसके कारण हम जैव विविधता को संरक्षण करने की आवश्यकता है। जैव विविधता का संरक्षण करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हर तरीके से जो प्रदूषण है जैव जातियों को समाप्त कर रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन है, पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव है, मौसमी परिवर्तन है, इन सारी वजहों की वजह से जैव विविधता में जो एक कमी आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, इसीलिए जैव विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब देखिए, जैव जीवों की विविधता की संरक्षण की दो विधियाँ मानी जाती हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है, सबसे पहली विधि है स्वस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब होता है इन सीटू का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई पशु पक्षी है या कोई जीव है, तो जीव को इसी स्थान पर रहता है और इसका संरक्षण हम इसी स्थान पर करें, तो इसको बोलते हैं स्वस्थानीय पद्धति। ठीक है, पर स्थानीय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई जीव जंतु है, यह इसी क्षेत्र में रह रहा है, लेकिन इसका संरक्षण जब हम दूसरी जगह एक सी स्थान पर करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीटू। ठीक है, एक्सीटू एक पद्धति को कहते हैं। ठीक है, पर स्थाने, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण की टेक्निक मानी जाती है। अब देखिए, स्वस्थानीय हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, अब स्वस्थानीय संरक्षण की जो इन सीटू पद्धति है, रणनीतियाँ हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं अच्छे से, कि जैसे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना उसी क्षेत्र पर की जाती है। कहने का मतलब भी मैंने बताया ना कि जैसे एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, यहीं पर जीव जंतुओं की रक्षा उसी पर्टिकुलर स्थान पर की जाती है,
पारिस्थितिक तंत्रों के समूहों की रक्षा की जाती है। बहुत सारे जीवों का समूह रहता है, उनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, अब देखिए एक सबसे पहली चीज आती है इसी में, तो रक्षित क्षेत्र क्या होता है। रक्षित क्षेत्र देखिए, इसमें जो आपका स्थलीय और जलीय स्थान जहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण करना होता है, मतलब पर्टिकुलर उसी स्थान पर इसका संरक्षण किया जाता है और इसकी व्यवस्था कानून एवं अन्य प्रभाव तंत्रों द्वारा संचालित होती है। तो इसको इसकी श्रेणी में सबसे आता है जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो होते हैं इसी की श्रेणी में आते हैं। नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क में जितने भी जीव जंतु होते हैं तो उनका संरक्षण उसी पर्टिकुलर स्थान पे होता है, अदर कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका रक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जैसे रक्षित क्षेत्रों में ही बात की जाती है कि विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र द्वारा वैश्विक स्तर पर 37,000 रक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया है और भारत में लगभग 581 रक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से जो 99 है राष्ट्रीय उद्यान है, 515 वन्य प्राणी एकांत क्षेत्र हैं, 43 संरक्षण रिजर्वेस हैं। ठीक है, और 4 जो हैं सामुदायिक रिजर्वेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में रक्षित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जैसे देखिए जिम कार्बेट जो था, जिम कार्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, रक्षित क्षेत्रों या राष्ट्रीय उद्यान के लाभों को देख लीजिए कि जैसे स्थानीय जातियों उपजातियों की यह रक्षा करते हैं, कहने का मतलब यह है कि उनकी रक्षा की जाती है उसी पर्टिकुलर स्थान में, जो वहाँ की स्थानिक जातियाँ होती हैं वो भी लाभ कमाती हैं हर तरीके से, और उपस्थित समस्त जातियों के जो एक अनुवांशिक विविधता जो होती है, ठीक है, तो उसको अनुवांशिक विविधता की रक्षा की जाती है। ठीक है, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन के स्तर पर जो विविधता पाई जाती है उसको हम अनुवांशिक विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी संरक्षण कहाँ पर किया जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में किया जाता है। ठीक है, मानवजन्य प्रतिकूल क्रियाकलापों से रक्षा मिलती है। ठीक है, कि यहाँ पर मानव गतिविधियाँ नहीं की जा सकती। ठीक है, और क्या है कि जैसे पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति प्रतिकूल जातियों का प्रवेश नहीं किया जाता। अगर जैसे मान लीजिए यह कोई नेशनल पार्क है, अब यहाँ पर यह पता है कि इस क्लाइमेट में कोई ए नाम का जानवर नहीं रह सकता, या तो यह जो यहाँ के जानवर हैं उनको नुकसान पहुँचाएगा, तो ऐसे स्थिति में इसको यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। ठीक है, पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति जातियों एवं आवासों में विस्थापन के लिए भी संभव बनाया जाता है कि जैसे अगर कोई यहाँ पर जो जाति है या प्राणी जाति है या जो जीव जंतु हैं वो नहीं सुटेबल अपना मतलब उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, तो उसको और कहीं भी विस्थापन के लिए संभव बनाया जाता है। ठीक है, उनके आवासों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, कहने का मतलब यह है कि स्थल मंडल तटीय पर्यावरण के प्रति रक्षित क्षेत्रों की विशेष श्रेणी होती है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जल मंडल और स्थल मंडल दोनों टच करते हों। ठीक है, तो वो तटीय क्षेत्र और जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है। ठीक है, रक्षित क्षेत्र जो क्षेत्र होते हैं तो उनकी एक विशेष श्रेणी मानी जाती है यह, और मनुष्य भी इस व्यवस्था का अभिन्न घटक माना जाता है क्योंकि मनुष्य की गतिविधियां भी इसी क्षेत्रों में होती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि मनुष्य जल में डुबकी लगाता है जाके, नहीं, तटीय इलाकों पर ही रहता है और जो तट होते हैं या पोर्ट होते हैं या तटीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें ही मानव गतिविधियाँ की जाती हैं। ठीक है, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की जो संकल्पना थी 1975 में यूनेस्को के माइन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम था, ठीक है, उसका हिस्सा था। और भारत में वर्तमान में अगर हम लोग मानो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं वो हैं 18। ठीक है, उदाहरण के लिए कि जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं सिमलीपाल, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ग्रेट निकोबार, ये सारे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी घोषित किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत घोषित संरक्षित क्षेत्रों की 4 श्रेणियाँ पाई जाती हैं कि जैसे देखिए सबसे पहला क्या है, बाघ अभयारण्य है जो हमारे यहाँ देश में कुल 50 हैं। राष्ट्रीय पार्क जो हैं 2012 का डेटा है, कुछ अब चेंजेस भी हो गए होंगे। ठीक है, तो 102 हैं। ठीक है,
नेशनल पार्क कितने हैं, 102, 505 वन्य जीव अभयारण्य और 4 सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र है। तो ये कुछ कैटेगरी हैं डेटा जिसका आप प्रश्नों में उपयोग कर सकते हैं, जो अति महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ हैं कि जैसे कश्मीर में दाची ग्राम हंगुल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब जैसे देखिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना सबसे पुराना है और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, बाघ हाथी तेंदुआ हिरण ये सारे प्राणी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसे कान्हा नेशनल पार्क है तो यह बाघ और बारहसिंगा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। केवलादेव की जब बात करते हैं तो केवलादेव राजस्थान में है और जल पक्षी आश्रय स्थल है। ठीक है, यहाँ पर पेंडेट स्टॉर्क, ओपन बिल, स्पोन बिल, ये इस तरीके के पक्षी पाए जाते हैं। नाम अलग अलग है थोड़ा सा, आपको इन पर नहीं जाना है, आपको बस मेंशन करना है अपने उत्तर में मेंस में। ठीक है, मेंस का जो भी अगर प्रश्न आता है संबंधित प्रश्न तो उसमें लिख सकते हैं। काजीरंगा जैसे असम में है तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है और गैंडे के लिए मुख्यतः गैंडे के लिए है, जंगली भैंसे के लिए यह प्रसिद्ध है। मानस जो है मानस भी असम में है और सार्वजनिक यह सर्वाधिक ठीक है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। स्तनधारी प्राणियों पक्षियों की जातियों को आश्रय दिया गया है। ठीक है, अब जैसे देखिए जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष योजनाओं को देख लेते हैं तो हमारे यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं तो उनको हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था वन्य जीव कोष एवं IUCN। ठीक है, IUCN जो था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर। ठीक है, तो यह जो IUCN था, ठीक है, IUCN के सहयोग से भारत में वन्य जीव संरक्षण की योजना चलाई जा रही है बाघ संरक्षण के लिए, कौन सी, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको 1972 में स्टार्ट किया गया था, बाघ संरक्षण की परियोजना है और शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनती है और उसका बाघ आश्रय स्थलों के प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, प्राधिकरण एक है जो निगरानी, जागरूकता, क्षमता विस्तार, शोध कार्य, बांध आकलन, ये सारे कार्य किए जाते हैं जो प्राधिकरण है उसके द्वारा। ठीक है, अब अगला कौन सा है पार्ट, अगला है गिर सिंह अभ्यारण योजना। तो गिर सिंह अभ्यारण योजना ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये है एशियाई सिंह जो होते हैं जो अब केवल गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं, वहीं पर केवल सीमित रह गए हैं। ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए यह योजना चलाई गई थी। ठीक है, अब जैसे भूख है, महामारी है, मनुष्य हस्तक्षेप के कारण इनके अस्तित्व में संकट आ गया है, 1972 में इसकी स्टार्ट की गई थी, ये भी 1972 में ही इसकी शुरुआत की गई थी और गिर सिंह आश्रय स्थल की जो प्रबंध की योजना बनाई गई थी। ठीक है, और इससे ये जो गिर सिंह अभ्यारण योजना है तो इसका सरकार सहायता भी करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये आपका सारी चीज़ें जो पर्यावरण का जो तीसरा लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी और अब अगले लेक्चर में चौथे लेक्चर में हम लोग पर्यावरण की अन्य चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों GS का और सोशल वर्क का और डिफेंस ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2017 मेंस में जिन लोगों का नहीं हुआ है दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से अपने कोर्स को तैयार करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट करिए और अंतिम रूप दीजिए, क्योंकि अब देखिए दिन बहुत कम बचे हैं, 18 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है, तो इन चीज़ों को समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों में फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, सोशल वर्क, डिफेंस और GS में, और सभी चीज़ें चल रही हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग ग्रुप को। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।